हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल विशेज एंड डिशेस। तो आज मैं आपसे एक और शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, एंड दैट इज़ लीची शेक। तो लीची शेक इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज इट इज़ वेरी प्रोटीनिशियस, एंड ड्यूरिंग दिस समर टाइम इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप लीची शेक को स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। लीची शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्वियसली लीचीज़। देन मैंने एक कप ठंडा मिल्क लिया है, 4 टेबल स्पून शुगर ली है, एंड फॉर गार्निशिंग मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और जब हमारा शेक रेडी हो जाएगा तो तब हम इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर लेंगे। तो पहले हम अपनी सारी लीचीज़ को छील लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सारी लीचीज़ छील लेंगे। उसके बाद हम लीची के बीच में से थोड़ा सा कट करेंगे और इसके पल्प को इसके बीच से हम अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनके सारे बीज निकाल देंगे। लीची शेक बहुत ही इजीली 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है बनकर। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ फ्रूट शेक्स की रेसिपी शेयर करी हैं, तो उनको देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने लीची में से सारे बीज निकाल लिए हैं, तो अब हम इनको मिक्सर जार में डाल देंगे। देन हम इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। देन इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा लीची शेक ग्राइंड हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे विद आइस क्यूब्स। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और बादाम। तो आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सो एज़ यू ऑल कैन सी, हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लीची शेक रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।